अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। और आज मूरत की किचन में बनने जा रहे हैं पकोड़े, और पकोड़े मैं बना रही हूँ उसमें मैंने ये चीज़ें ली हैं। प्याज लिया मैंने, आलू लिए और फ्रेश पालक ली मैंने, स्प्रिंग अनियन लिए, और इसके लिए मुझे चाहिए साबुत सूखा धनिया, क्रश चिलीज, नमक और साबुत जीरा और ये बेकिंग पाउडर। अब मेरे तमाम इंग्रेडिएंट्स चले गए इसमें और अब मैं मिक्स कर रही हूँ, और ये बैटर बिल्कुल रेडी है फ्राई होने के लिए। और अब मेरे पकोड़े कैसे बनेंगे प्लीज़ आप देखना और मुझे बताना कि मेरे आज मूरत के किचन में जो पकोड़े बन रहे हैं वो कैसे बने। ये मैं स्पेशल एक मेहमान के लिए बना रही हूँ, जो कि अगर कोई भी मेहमान आ जाए, आपके घर में कोई विजिटर आ जाए अचानक, तो उसके लिए आप पकोड़े झटपट से बना ले। बस अनियन और आलू होने चाहिए घर में, बस पकोड़े रेडी हो जाते हैं। माशाल्लाह से आज मैं गार्डन में पकोड़े बनाने जा रही हूँ, अपने गार्डन में, क्योंकि मौसम बहुत खूबसूरत है। और आज मैं इस मौसम का फ़ायदा उठा रही हूँ कि आप सबको अपने पकोड़े गार्डन में बना के खिलाऊंगी। और देखें कितने मज़े के पकोड़े बन रहे हैं माशाल्लाह। बहुत मज़े के पकोड़े बन रहे हैं, यमी यमी और क्रंची। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और मुझे बताएं कमेंट करके कि आज जो मूरत की किचन में ये पकोड़े बने और वो भी मेरे गार्डन में बने, आपको कैसे लगे। ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें और बताएं कि आज मूरत की किचन में क्या बना, बल्कि आज मूरत की किचन में गार्डन में पकोड़े बने। माशाल्लाह से मेरे पकोड़े बहुत मज़े के और क्रंची क्रंची बन रहे हैं। आज मूरत की गार्डन में ये पकोड़े बन रहे हैं, प्लीज़ आप देखना और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मुझे बताना कमेंट करके कि आज ये जो नया स्टाइल मूरत की किचन गार्डन में आ गई, ये आपको कैसी लगी। और ये मैं अपने मेहमान के लिए बना रही हूँ, जो कि मेरे मेहमान आ गए हैं और बैठे हुए हैं आराम से चेयर पर, और उनके लिए ये पकोड़े बन के रेडी हो रहे हैं। और ज़रूर बताएं कि ये कैसे लगे आपको। अब माशाल्लाह से मेरे पकोड़े बन गए, रेडी हो गए खाने के लिए, और आप ज़रूर बताएं कि ये कैसे लगे आपको। सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। अब मेरे पकोड़े तो रेडी हो गए खाने के लिए, बहुत मज़े के बने, यमी बने, और आपको ये कैसे लगे प्लीज़ आप ज़रूर बताना। और इनके साथ मैंने चटनी बनाई, मिंट की चटनी, पुदीने की चटनी, साथ में ये यगर्ट और ये केचप, और ये है शान का मसाला, चाट मसाला, मज़े का। और आप भी इंजॉय करें, खाएं और बताएं कि आज ये जो मूरत की किचन में बना आपको कैसी लगी ये रेसिपी, क्विक रेसिपी। आप लाइक करें, शेयर करें और इंजॉय करें।